अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और करारी भिंडी। तो क्रिस्पी करारी भिंडी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम भिंडी ले लिया है और इनको अच्छी तरीके से हमने धुल लिया है, साफ करके और धुल करके सूती कपड़े से हमने पोंछ के रखा है। ये देखिए बिल्कुल सूखी भिंडी है, इसमें ज़रा सा भी नमी नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्रिस्पी करारी भिंडी बनाना। उससे पहले अगर नए आए हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फिर इस तरीके से भिंडी हम काटेंगे। पहले ये देखिए इस तरीके से हम काट लेंगे। हम अभी आप लोगों को एक दो भिंडी काट करके दिखा देते हैं, फिर हम काट के रख लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे पूरी भिंडी काटने के बाद। ये देखिए इस तरीके से हम इनको अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए तो बस इसी तरीके से हमको सारी भिंडी काट लेनी है। ये देखिए तो काट के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए भिंडी हमने काट लिया है, ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक हमने काटा है। तो अब हम भिंडी इस प्याले में डालेंगे। ये देखिए इसमें, तो देखिए फिर हमने प्याले में भिंडी को रख लिया है। और ये देखिए हमने पीसे मसाले ले लिया है। इसमें एक चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और एक चम्मच भर के नमक है। और ये है सौंफ का पाउडर आधा चम्मच, और ये एक चम्मच भर के चाट मसाला है, और ये भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच है, और ये काली मिर्च का पाउडर हमने बनाया था, इसमें थोड़ा सा पानी चला गया था तो गीला है, काली मिर्च का पाउडर है तो हमने चौथाई चम्मच ले लिया है। तो ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो हम एक साथ ही में सब इसमें मसाले मिक्स कर दिए, और इसमें हम डाल देंगे एक नींबू का रस। नींबू का रस डालने से और खट्टा चटपटा टेस्ट आएगा हमारी क्रिस्पी कुरकुरी भिंडियों में। ये देखिए हमने पूरा एक नींबू का रस डाल दिया है, और इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची आधा चम्मच, कलर आने के लिए हम डालेंगे, इससे अच्छा कलर आ जाता है। और हम डाल देंगे इसमें चावल का आटा कुरकुरे बनाने के लिए, ये भिंडी हमारी इसीलिए कुरकुरी बनेगी। अगर आपको चावल का आटा नहीं पसंद है तो बेसन डाल लीजिएगा। तो हम डाल देंगे इसमें ये छोटे वाले चार चम्मच हमने डाला है। तो अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम दो छोटे चम्मच, ये जो हमारा ये चम्मच है, दो चम्मच भर के हम कड़वा तेल डाल देंगे इसमें। कड़वा तेल हम गरम डालेंगे, पका हुआ कड़वा तेल, कच्चा नहीं। ये देखिए इससे और हमारे ये भिंडी जो है इसमें क्रिस्पी बनाएगा। ये देखिए बस दो चम्मच आधा आधा था तो हमने आधा चम्मच और डाल दिया, कुल मिला के दो चम्मच हो गए। तो बस हम इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, इसलिए कि भिंडी है इसमें लबलबाहट आ जाएगी, इसके लिए हमने पानी नहीं डाला है, बस तेल से हमने सान लिया है। ये देखिए आप लोग भिंडी धुल करके पोछिएगा नहीं, इसकी नमी हट जाती है ना तो इसको सानने में दिक्कत हो जाती है। तो जब भिंडी आप पोछेंगी नहीं धुलने के बाद तो इसमें अच्छे से सन जाएगी। ये देखिए मिक्स हो जाएगी इस तरीके से, लेकिन हमने भिंडी पोछ लिया था, आप लोग मत पोछिएगा, सूती कपड़े में हमने पोछा था। बस ये देखिए मिक्स हो चुकी है भिंडी हमारी, अब हम करेंगे फ्राई। तो देखिए फिर हमने चम्मच हटा दिया है, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से भिंडियाँ हमारी मसालों में मिक्स हो गई हैं, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। हम कढ़ाई में तेल पहले से चढ़ा दिया था हमने। ये देखिए तो देखिए तेल हमारा अच्छे से हो चुका है, अब हम भिंडी डाल देंगे इसमें। इसमें ये देखिए इस तरीके से हम भिंडी अलग अलग कर देंगे ताकि चिपके ना आपस में।
तो इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि कच्ची ना रहें और क्रिस्पी कुरकुरी बने। ये हमारी भिंडी फ्राई होके, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा। बहुत टेस्टी बनती है भिंडी, बहुत अच्छी लगती है। इनको रुखी खाई जाती, चाहे आप रोटी के साथ खाएं चाहे रुखी खाएं, बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए फिर फ्राई हो चुकी है भिंडी हमारी, अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए कुरकुरी भिंडी हमारी बन करके तैयार हुई है। तो बस इसी तरीके से हम और तल लेंगे। देखिए दूसरी जो बची हुई भिंडी थी वो भी हमने तेल में डाल दिया फ्राई करने के लिए। इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए कितनी कुरकुरी क्रिस्पी भिंडी हमारी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए दूसरी वाली भिंडी भी हमने निकाल लिया है। ये देखिए कितनी टेस्टी बनी है, कितनी अच्छी बनी है, और ये दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए फिर क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी बन करके तैयार हैं। अगर अच्छी लगी हमारी रेसिपी आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।